प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की और त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए हितकर है। ज़रा ध्यान दें, सबसे मेन क्वेश्चन जो भी है आपका, चाहे एग्ज़ाम में हो या आप जो वीडियो में देख रहे हैं, चाहे वीडियो में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन आपका क्या है, बहुपद 4x² + 6x + 2 के शून्य अंक को ज्ञात करो। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर जो भी बहुपद दे रखा है हमें उसको क्या निकालना है, शून्य अंक निकालना है। अब देखिए अपने आंसर या सलूशन में, 4x² + 6x + 2 = 0। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर 4 × 2 = 8 लाना क्या है हमें, 6, तो 4 की और 2 की गुणा करें तो हमको 6 = 8 मिल जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें 6 मिल जाएगा। वहीं सर हमें, मतलब जो भी आपका बहुपद रेखा है वहीं से हमें मान मिल रहे हैं। देखिए ज़रा, 4 × 2 = 8 और गुणा करने पर तो 8 लाना है, जोड़ने घटाने पर क्या लाना है, 6, तो 4 और 2 की गुणा करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आगे देखिए, 4x² + 4x + 2x + 2 = 0। जहाँ अंडरलाइन दे रखी है यहाँ से आप 4x निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका, x + 1। यहाँ से जो अंडरलाइन दे रखी है 2 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, x + 1 = 0। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक निकल जाएगा, आपका क्या बचेगा अंदर, ये और ये निकल जाएगा, क्या बचेगा, 4x + 2 = 0। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x - 1। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x - 2/4। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और काट भी सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आपको मिल जाएगा 1/2, वो भी सही है और ये भी सही है। क्योंकि आपसे केवल वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो भी बहुपद दे रखा है उसके x के जो भी मान हैं वही क्या कहलाते हैं, शून्य अंक कहलाते हैं। तो आपको x के मान चाहिए और वो क्या कहलाते हैं आपके, शून्य अंक कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो सही नहीं लगती है तो आप बार बार उसको देखें, आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।